बिल्कुल रियल। इंडिया से असला लेके आए हैं। चल रहा था इतना तेज चल रहा था कि इनको अपनी अम्मी याद आ गई। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ बता रही है कि अभी तक थकन पूरी नहीं उतरी है। सुबह 8 बजे आया हूँ पिकनिक से और इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। तो इन लोगों ने बोला है तुमने पिकनिक करी है तो एक हमें भी करा के लाओ। मतलब ये यार सिस्टर इन लोगों ने बोला है मेरे को कि हमें भी एक पिकनिक करा के लाओ। तो इन लोगों को लेके जा रहा हूँ अभी PF म्यूज़ियम, कुछ सामान लेना है वो ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो वेलकम हो गया ब्लॉग में, ज्वाइन कर लो और अभी से लाइक कर दो। बस ये रख लो भाई, तो गाड़ी में बैठ गया और फिलहाल निकल रहे हैं अभी। चलो चल के मिलते हैं। तो वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और ये लोग पता नहीं आगे कहाँ चले गए। मौसम बहुत ही VIP हो रहा है और मेरे हाथ में इस वक्त जग और थोड़ा तरबूज है, तो चलते हैं अंदर। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था अगर PF कभी आया फैमिली के साथ तो इसको एक्सप्लोर करेंगे और आज मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा PF म्यूज़ियम। तो अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह अब तक तो उन्होंने ले लिए होंगे भाई। काफ़ी रश हो रहा है और ये लोग वगैरह यहीं आ गए हैं। टिकट ले लिए? ये सही है, बस चलो अंदर। कितने का है वैसे टिकट? ओहो, 100 रुपये का हो गया। एंड हो गया भाई, क्या व्यू है, आप व्यू चेक करें। लेकिन मानो बस इसी व्यू के पैसे हैं। मेरे से बोला अलग नहीं जा रहा है क्योंकि फार्म हाउस में इतने चिल्लाए हो ना तो बस आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है आप लोगों को, पूरा PF आप लोगों ने लेकिन देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए व्लॉग है, तो जिन्होंने देखा है वो भी देख लें, एक्सप्लोर करना है पूरा। ऐसी VIP हवा चल रही है ना कि बस मज़ा आ रहा है, दिल कर रहा है कि घर ही नहीं जाना। और हम लोग जा रहे हैं अपनी अभी लोकेशन में बैठने। एक तैयार है वहाँ, कौन से तैयार में बैठोगी बच्ची? जिस पे तुम बिठा दो। तुम्हारे को पता कहाँ बिठाऊंगा? गाड़ी में, गाड़ी में बिठा के आ जाऊंगा किसी में भी नहीं। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये जहाज है और हम लोग यहाँ से बिल्कुल इस जगह हमने अपनी चादर डाली है, यहाँ हमने बसेरा डाल दिया है और यहीं आके बैठना है आप लोग। भाई अभी तक तो मैंने वो सामान दिखाया था जो हम लोग लेकर आए थे, लेकिन अब वो सामान देखो आप जो ये लोग लेकर आए। हसीना है तो कहना। ये देखें ये लोग ये लेके आए, ये तो हम लेके आए, आपने देखा होगा इस पैकेटिंग लोगों ने घर में बनाई है। और उसके अलावा आप ये देखें इतने फारिग लोग हैं, नॉवेल भी पढ़ेंगे, नॉवेल भी पढ़ेंगे यहाँ के, नॉवेल भी लेके आए, पिलो भी लेकर आए, मतलब फुल। बस यहाँ आओ, चादर बिछाओ और बस लेट जाओ, सो जाओ, जिस तरह समझ लो। बस ये CV वाली पिकनिक है एक तरह से इनके लिए। लोग एक काम करें, जब तक पिक्चर्स वगैरह लो, घूमो फिरो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। नहीं है, बहुत टायर्ड हवा चल रही है, बहुत मजा आएगा। PF आओ, चादर बिछाओ, सो जाओ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो भाई, अजाने स्टार्ट हो गई हैं तो रोजा खोल लेते हैं फिर। सच बताऊं रोजा किसी का भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा लग रहा है कि रोजा ही खोलना है। अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल भी अंदर विजिट नहीं किया, अभी चलेंगे और फिर करेंगे। ये आ गई म्यूजियम गिफ्ट शॉप। यहाँ से कुछ लेने का काम नहीं है क्योंकि एक दफा यहाँ से लिया था, बहुत महंगा सामान मिलता है। यहाँ आओ, विजिट करो, घूमो फिरो, लेकिन लेने का कुछ नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डमीज रखी हुई है, ये काफ़ी पहले के टाइम पे जो है कि जंग में यूज़ वगैरह होती थी। एक मशीन है ना, ये दूर पहले सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल वगैरह होती थी। इसका नाम है क्रोताल वेपन सिस्टम फायरिंग यूनिट। ये भी बहुत पुराने टाइम पे यूज़ होता था, ये भी सर्वर भेजने के लिए यूज़ होता था। बहुत सारी मशीनें और बाकी मिसाइल भी लगा हुआ है भाई। ये वो तैयारा है जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलके बनाया था। ये तैयारा मेरे ख्याल से 2018 या तकरीबन 19 की बात है।
अभी अंदर चलते हैं, म्यूजियम बना हुआ, अंदर म्यूजियम में चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। बाहर तो ऐसे बहुत से तैयारे खड़े हैं जिनकी हिस्ट्री जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है। यार ये लोग हमेशा, मैं ना व्लॉगिंग के चक्कर में पीछे रह जाता हूँ और ये लोग मेरे से आगे पहुँच जाते हैं हर दफ़ा। यार चिप्स गिर ली, चलो अंदर चलते हैं और विजिट करते हैं। चलिए, म्यूजियम में एंटर होते ही आपको बहुत से जहाज़ और तैयारे देखने को मिलेंगे। तो ये जहाज़ देखते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे यहाँ पे वो जहाज़ खड़े हुए हैं जो कि जंगों में यूज़ हो चुके हैं और जिनसे जंग काफ़ी जीती जा चुकी है। अभी नंदन वाला जहाज़ भी यहाँ मौजूद है, वो भी अभी दिखाऊंगा। राइट साइड की वॉल पर आपको बहुत सी पिक्चर्स मिलेंगी जेट्स की देखने की और उनके इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और इस वाले फ्रेम में इन्होंने सारे जो दुनिया भर के जेट हैं, फाइटर्स हैं, उनकी डमीज इन्होंने यहाँ पे डेमो के लिए लगाई हुई है। ओह माय गॉड, ये तो फ्रेम में भी पूरा नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ, व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ और मेरे से पीछे तुम लोग चल लो। मैं नहीं कराऊ फिर इनको। अरे कायदे आज़म से तो मिलो, मेरे पक्के दोस्त आ गए कायदे आज़म। कायदे आज़म अभी असल में रज वो हो रहा है, बाद में दिखाऊंगा। पायलट ड्रेस एक दफा फिर, और ये चेयर होती है आसिम। अरे आसिम अदर हेलो। फातिमा अली जीना से आपको मिलवाते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना, बिल्कुल रेल तरीके पाकिस्तान के गुमनाम कारकुन। हमको जिनको हम जानते ही नहीं, गुमनाम हाँ, जिनको जानते ही नहीं, जिनका कोई नाम ही नहीं है। ये सब तो ठीक है, अब जो लोग थोड़ा स्पेस साइंस में इंटरेस्ट वगैरह रखते हैं उनके लिए ये मशीनरीज हैं। ये सब समझ लो बस स्पेस साइंस वाला, रॉकेट वगैरह के चैप्टर वगैरह रखे हैं। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं ये मशीनरी भी इनके काम की नहीं है, लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल वाले थोड़ी हैं। म्यूजियम के ऊपर वाले फ्लोर पे आपको सामने ही पाकिस्तान की तारीख नजर आएगी और उसी की दूसरी तरफ आपको जंग की कुछ पेंटिंग्स नजर आएंगी। माय गॉड, पीछे तो सब पीछे तो जंग चल रही। कायदे आजम, कायदे आजम को खत आ गया, गांधी जी ने खत भेजा है। ऑफ मरियम मुख्तार शहीद, ये देखें आप पाकिस्तान की शेर दिल बेटी। ये इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, भाई खुद ही पढ़ लेना, मैंने इतनी डिटेल ले रहा। तो रूम कहाँ चली गया मरियम, जहाँ पे गन्स वगैरह रखी हुई। ये लास्ट ओवर व्यू ले लो। और एक बात और बता दूँ, गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत देखभाल के आने की। आपके भाई को मिली है सारी स्कूल से, ये वाली मुझे मिली थी जब मैं फर्स्ट आया था, ये वाली मुझे मिली थी KG 2 में, और ये बाकी सारी मेरी मिली हैं इंटर तक की हो गई हैं पूरी, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें ये सारे शहीद हमारे। और मेन चीज़ यार जो कि हम लड़कों को दिल से पसंद है, दिल से हमारे वेपन्स, इन्हें कैसे भूल सकते हम भाई, एक से एक बेहतरीन। इंडियन आर्मी गन्स कैप्चर्ड इन सिन ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, ओए होए होए, इंडियनों से भाई, इंडिया से असला लेके आए हैं। लो बाहर चलते हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है और अब बर्दाश्त नहीं हो रही, बाहर जाके खुली फिजा में बैठ चलें। भाई गर्मी नहीं लग रही तुम लोग, गर्मी तो बहुत है ना। नहीं पहले यहाँ एसी चलते थे ना, मैं अब भी यही समझा था, बहुत पहले चलते थे, अब नहीं चलते। मैं भी यही समझा था कि एसी वगैरह चल लूंगा, लेकिन इस दफा तो फैन तक नहीं चल रहे। अरे हाँ चलो भाई देख लो। अच्छा ये देख लो, ये जब मैं स्कूल जाता था, जब पहन के जाता था, ये मेरा ट्यूशन है मदरसे का, ये वाला। सॉरी भाई, आवाम जो है ना, आवाम बोल रही है तुम बहुत बोर कर रहे हो, अभी थोड़ी तफरी भी चाहिए इनको। अब ये देखो, ये जो है देखो, इस पे ना कायदे आज़म के नौकर वगैरह जाते थे चाय लेने, इस पे दही वगैरह, इस पे तो दही लाते थे। और सब्जी वब्जी के लिए जो है ना वो वाला इस्तेमाल कर लेते, वो पीछे खड़ा हुआ ना सबसे बड़ा वाला जज। हाँ तो कायदे आज़म उस पे घूमते भी थे कभी, सब्जी वगैरह भी ले आते थे। हाँ भाई बाहर निकल गए तो कुछ हवा लगी है, नहीं तो अंदर तो जैसे दम घुट रहा था। बच्ची झूले वगैरह झूलोगी क्या? हाँ, आइसक्रीम तो कंपलसरी है। आइसक्रीम, अच्छा चलो फिर वहाँ चलते हैं, झूलों वाला डिपार्ट उस तरफ है और आइसक्रीम वाला भी। क्या बता दूँ, हाँ 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 भाई क्यों नहीं बताऊँगा, सब सब ठीक है। लेकिन बदनाम
नहीं। बस बस इतनी बेइज्जती नहीं करो। हाँ मुझे पता है भाई, मेरा टिकट इन लोगों ने दिया है, सब कुछ इन्होंने दिया, लेकिन इनको लेके कौन आया है? गाड़ी चला के मेरे बगैर नहीं आ सकती थी तुम लोग। लोग पहुंच गए, ये है कैंटीन और पीछे है चाय पानी, और इसी के बिल्कुल बराबर में है झूले वगैरह। मेरा तो कोई मूड नहीं है एक भी राइड लेने का। अब ये लोग बोल रहे हैं कि एक राइड तो ले ही लेते हैं, पीएफ आए तो। अब इनकी वजह से मुझे भी लेनी पड़ रही है। और सबसे अच्छी मैं आपको बात बताऊं, जब भी बहनों के साथ आप आए बिल्कुल भी पैसे नहीं लेके आए, सब खर्चा यही करेंगी। बहुत वारे का सौदा है भाई, घूमो फिरो ऐश करो। कौन सी राइड लेनी है? ये खतरनाक लग रही है, ऑक्टोपस वाली। ओ ओ ओ सामने वाली देखो, मुझे अपने घर जाना है। जिगर एक राइड ये है, और कश्ती उधर लगी हुई है, और एक राइड ये है बिल्कुल सामने। तो हमने फैसला ये करा है इन सारी लड़कियों ने मिलके कि हम लोग कौन सी राइड करेंगे, कश्ती वाली, क्योंकि भाई जो ये लोग झुला दे है? वैसे जिसके अंदर जिगरा होगा वही जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। राइड है जो कि हम लोग लेने आए, और इन लोगों का फैसला ये है कि मोबाइल ना लेके जाया जाए क्योंकि बहुत तेज चल रही है। हमें तुमसे ज्यादा इस मोबाइल से प्यार है। सही है, सही है, अभी नया नया है ना, वो जा रही है, जाओ। ये चल रहा था, इतना तेज चल रहा था कि इनको अपनी अम्मी याद आ गई। तुम्हें अम्मी नानी? अच्छा। कुछ भी नहीं, अब मैं तो बोल रहा और तेज बोल रही अल्लाह अम्मी। अबे अबे भी लगा था और तेज हो। बोलिए वहाँ जाके किसी को नहीं बताना। 30 सेकंड या 1 मिनट का जो मोटर तो स्टार्ट ही नहीं की, ₹100 लूट रहे गाइस, लूट रहे। ये है मेन गेट, लेकिन हम जब आए थे, हम आए थे उस वाले गेट से, इसलिए हमारी गाड़ी वहाँ पार्क हुई है। तो हम जा रहे हैं पार्किंग में, गाड़ी उठाते हैं, घर निकलते हैं, क्योंकि इशा हो गई है और असर के आए हुए। ये जो राइड थी ना कश्ती वाली, इसको मैं बताऊँ कितने मार्क्स दूंगा, 10 में से 5। हाँ लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ बस तेज थी, लेकिन लड़कों के लिए बस सही थी। मुझे तो लगा भी होगी है ना, मुझे इतना उसमें मजा नहीं आया। बस चलो अब घर चलते हैं, गाड़ी में बैठकर मैंने अपने पैसे जाया। गाड़ी 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 ये लगी हुई भाई हमारी गाड़ी। बहुत थक गया हूँ क्योंकि पिकनिक से भी आया हुआ हूँ, बहुत थकन हो गई। अभी जाके 2 व्लॉग एडिट करने, तो अभी लिहाजा चलते हैं घर। अरे यार व्लॉग तो खोले नहीं। तो अभी के लिए चैनल का आपका काम सिर्फ इतना है, सब्सक्राइब करो, व्लॉग को लाइक करो, और कमेंट करके जरूर बताना। शेयर तो करते नहीं है लोग, बस शेयर भी कर देना यार। चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।